वो डंगर शंगर लाते हैं, घोड़ा लाते हैं, अपने जो अगला साल की नहीं है सर्दियों का कुछ अपना जरिए बना के जाते हैं। ये कोस्तानी का स्थल, ये हम 10 खानदान है, 10 खानदान पे ये मुश्तरक है। ये राजा पांडे, वो जात पांडे, वो ओलेदा कौम का है, ये हमारा कौम का है। तो वो नदी से पार इस तरफ ये हमारा निशानी है। इंशाल्लाह भरपूर आपको क्याम होगा और कोई किस्म का तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जैसे प्लेस्टी आप उधर से मांग रहे इधर नहीं है, जो मुनासिब तौर पर कैंप और जो गुजारा होगा तो वो ठीक है, क्योंकि कुदरत का नज़ारा है। देखो ये अल्लाह ने नहीं बनाया, कैसे इसको देख के एहसास होना चाहिए अपने पहाड़ का और पूरे पाकिस्तान है। जिधर भी जाएगा खुशी होगा। और बांडे 10 बांडे तो जात बांडे में है। ये देखो पार वाला, इसको गेदर बांडा कहते हैं, गेदर। ये कैलेंडरों में भी है, कन्वेंशन में नहीं है। मैंने इंटरव्यू दे दिया, पूरा तीर मैंने कैलेंडर में डाल दिया मुशरफ के दौर में। कन्वेंशन में हमारा 3 दिन स्टॉल लगा था, ठीक है। तो ये गेदर बांडा, इसके नीचे एक कौन बांडा, नीचे एक काट बांडा, उधर डंड बांडा, इधर आगे जाएगा छिरी बांडा, कंडलशे बांडा जो गुजर गया है। ये गारा बांडे सिर्फ ये फ्रंट पे घोड़ा, और फिर ये पहाड़ के पीछे शड बांडा कहते हैं, शड वो भी हमारा मुश्तरक है, ठीक है। इसमें 7 जिले हैं, चोटियों पर 7 जिले हैं इसमें। तो इसको सियाह के लिए 3 दिन टाइम होना चाहिए, 3 दिन। तो फिर इसे टर्न करेगा जो बारेन स्वाद किए आप, बारेन, वो बारेन का वो जो पानी आ रहे है इसमें से इसका ट्रे का रास्ते। अच्छा उधर से फिर इसमें बांडा, ये छोटी सी पीछे इसमें बांडा, फिर स्वाद लगेगा इसमें बांडा। कंडोल झील खापेरी डॉट, इधर से भी बहुत लोग हमारे पास आया, इधर से भी मैंने भेजे हाइकिंग कर दी। और ये कटोरा झील का नाम भी राजा ने रखा है। अच्छा पुश्तों में नहीं, हम जाम कहते हैं, जाम पुश्तों में जाम कहते हैं, हमारा जबान में गौरी जबान में डोल कहते हैं, और पंजाबी कटोरा। तो ये पंजाब का अल्फा से मैंने नाम बनाया कटोरा जी। आपने पंजाब को भी जिंदा रखा है इंशाल्लाह। शुरू से लाहौर और इस्लामाबाद का एफर्ट शुरू से था, इधर कोई अड़छट नहीं था। और 30 और 40 आदमी हमारा गांव में, हमारा अबू नंबरदार था, तो लोग बता रहे कि राजा के पास जाओ। तो उधर उजरत से मैंने लोगों को रागब किए, तो फिर अजबगढ़ का वो जगह मैंने बना दिए। फिर भी लोग बोलते हैं ये पागल हुआ, ये अपना ज़मीन क्यों वक्फ कर रहे। मैंने बोला अल्लाह रिज़्क देने वाला है, लेकिन पाकिस्तान को ये पढ़ मैं कर रहा हूँ। अबू को मैंने बोला अबू घबराना नहीं है, रिज़्क अल्लाह देकर मेहमान नहीं है। बहुत बड़ा मेहनत किया है मैंने, बहुत मेहनत, पूछ लो ना नेट पर सर्च करो तो पूछो, बहुत मेहनत की है। शुक्र अभी हमारे गांव का लोग सब रोजगार में है। लेकिन राजा से मिलेंगे तो विज़र्ड कामयाब, नहीं है तो दोस्त बोलेंगे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दौर था उस टाइम में, ये हमारा दादा परदादा तो इधर माल मवेशी कर रहा था, ये मुल्क को संभाले उसने। तो इधर एक हेलीकॉप्टर उतरा है सफेद कलर का, अच्छा ठीक है, वो उतर वापस उठ गया, किसी के साथ मुलाकात नहीं है। लेकिन हमारा दादा परदादा ने देख लिया है तो उसको जात बांडा का नाम दे मतलब होता है बांडा, ये क्या आप लोगों के पहाड़ होते हैं ना जी जी पंजाब में जी जी। तो जो पंजाब में जो बांडा होते हैं, जो लोग माल मवेशी कर रहे हैं, बकरे चराते हैं, गाय शाय चराते हैं, इसको हम लोग बांडा कहते हैं। हाँ, बांडे है ठीक है, वो जात बांडा है, ये राजा बांडा, राजा ये राजा बांडा। अभी हम राजा बांडा में खड़े हैं, इंशाल्लाह राजा बांडा में खड़े हैं, साफ सुथरा माहौल, क्या बात है। ये और सब सियाहों का दिल शुरू से ये लाहौर और इस्लामाबाद का ये था, लेक भी नजदीकी, अबशार भी नजदीकी, और वो जात बांडा, ये राजा बांडा, राजा बांडा ओके राजा साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें जो मेहमान आएगा तो सुकून मिलेगा और मुल्क का तारीख मिलेगा और एंट्री मिलेगा और खुशी मिलेगा, अखलाक मिलेगा, अखलाक मिलेगा, अखलाक ही होता है। ठीक है वो जात बांडे, ये राजा बांडे, ये राजा बांडे, अभी हम राजा बांडे में, इंशाल्लाह राजा बांडे में खड़े, क्या बात है, क्या बात है। ये और सब सियाहों का दिल शुरू से ये लाहौर और इस्लामाबाद का ये था, लेक भी नजदीकी, अबशार भी नजदीकी, और वो जात बांडा, ये राजा बांडा, राजा बांडा। इस
पे जो मेहमान आएगा तो सुकून मिलेगा और मुल्क का तारीख मिलेगा और यूनिटी मिलेगा और खुशी मिलेगा अखलाक मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो नाश्ते लगे आ जाए, नाश्ते लगी हमारे साथ आओ बैठो अपने मेहमान के साथ। फिर मैंने इसको इधर भेज दिया तो वो बोलते हैं राजा भाई हम आपको एक नाम दे रहे हैं, इजाजत नाम और दे रहे हैं। मैंने बोला क्या नाम, वो बोलते हैं राजा वो हमारा नाम भी कर दिए। तो फिर मैंने बोला नांगन दरिया, अभी सात पानी टेढ़े हुए ऐसे चमन में, तो मैंने नांगन दरिया राजा आबशार कर दिया। अभी आबशार जाएगा तो आप देखिएगा वो अलग एक सीन है। देखो आबशार पे नहीं है, बहुत बड़ा मज़ा होता है और बहुत ज़बरदस्त सीन है उसमें। और तो फिर ये छोटा सा आबशार है, इसको आप चिमरीन आबशार कहते हैं। चिमरीन देखो ना, गणेश शेर पड़े ना, हम अपने जबान में गणेश शेर चिमरीन कहते हैं। और ये हर्ष का नाम भी चिमरीन कॉटेज है, ये हर्ष जो बनाया ये 2005 में मैंने बनाया। इंशाल्लाह कर दिया सही मैनेजमेंट कर रहा है, प्रॉपर मार्केटिंग अपनी जगह की। राजा राजा नाम है ना, ठीक है ना। आप पाकिस्तान की दूसरी आवाम, पाकिस्तान के आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि इधर मैं पाकिस्तान का आवाम से 28 साल से जीतता हूँ। कुमराड़ का वेजर जहाज बांडे चंद्री में हमारा मिजू में, और इसमें पूरा पाकिस्तान का नवरहदाद पड़े दादा पर दादाओं का निशानी। और मैं अपने पाकिस्तान को भरपूर दावत ही दे रहा हूँ कि 20 लाख पाकिस्तानी सियाह बन के इधर आएगा ना तो एक एक सीमे पर एक एक नाले पे भेजूंगा तो आपस में इसका मुलाकात नहीं होगा। शुरू से मैंने पाकिस्तान के नाम से झंडा खड़े किए और अभी ये चार पाँच साल हुए कि सियाह तेजी से आ रहे हैं और मैं सबका ताबीदार हूँ अपने बहन भाइयों को और भरपूर दावत दे रहा हूँ और इसको खुशी अख्तियार करो। जैसे हमारा फर्ज है मैंने 30 साल से रखा है तो अभी भी मेहमान के साथ हमारा सुरूर इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। आप पकड़ो जाओ एक पिक्चर और ये गुलदस्ता पेश कर रहा हूं, ये परवेश का नहीं है साथियों को। इंशाल्लाह ये आपका पूरा ग्रुप है और परवेज आपका ग्रुप है। आप आए अभी, आप सुबह सुबह 6 बजे टाइम दिया था निकलने और मुझे टाइम नहीं है जी। आप शुक्रे के साथ साथ खैरत के साथ राजा बंडा से और कुछ मायर तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, खुशी के साथ तो ये आप ही नहीं एक तस्वीर लूँ।